हेलो गाइस, ये गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग वर्क डन के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्य के बारे में। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने छोटी छोटी टर्म्स के बारे में बात की थी कि एक्सेलरेशन, मास, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वेग, संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, द्रव्यमान, इन सबको डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग कार्य के बारे में बात करेंगे कि वर्क डन क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो फिजिक्स में अगर हम लोग कार्य के बारे में बात करें, फिजिक्स के अंदर, तो कार्य या वर्क क्या होता है फिजिक्स के हिसाब से? देखो, एक तो मैं इसका फॉर्मूले से मीनिंग जो निकलता है वो बताऊंगा, लेकिन एक्चुअल जो इसका मीनिंग है वो भी बताएंगे। कार्य क्या होता है पहली चीज, तो वर्क डन होता क्या है, वर्क क्या होता है फिजिक्स के हिसाब से वर्क क्या होता है? देखो, समझना बात को। आप किसी चीज पे धक्का मारो, पुश करो और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे खिसका दो, एक जगह से दूसरी, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे उसको डिस्प्लेस कर दो, तो उसको आप डिस्प्लेस करोगे, उससे क्या होगा, उससे आपके अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी चली गई इस पार्टिकल को, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ तक ले जाने में या उसको डिस्प्लेस करने में चली गई। इसको एक जगह से दूसरी पोजीशन पर ले जाने को हम बोलते हैं कि मैंने क्या किया है, वर्क किया है, मैंने कार्य किया है। इसका मतलब है कि कार्य क्या हुआ, मेरे अंदर जो एनर्जी थी, जो मैंने खाना खाया था उससे जो मेरे को एनर्जी मिली थी, वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकाने में चली गई। खिसकाने का मतलब हो गया कि मैंने कार्य में चली गई, तो मेरी जो एनर्जी कहां चली गई, कार्य में चली गई। तो कार्य क्या चीज हुई, कार्य का मतलब, वर्क का मतलब ये हुआ, वर्क क्या चीज है, वर्क एक एक्ट है, मतलब एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को डिस्प्ले, दूसरी पोजीशन पर डिस्प्लेस करने में हमने जो एनर्जी को खर्च किया है वो एक तरीका है। तो कार्य क्या हुआ, जैसे ये पार्टिकल है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये पार्टिकल है, इसको मैं उठाया, यहां पे लाया, फिजिक्स के हिसाब से मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, मतलब जोर लगाया, बल लगाया, मैंने बल लगा के इतना विस्थापन कर लिया, इतना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो फिजिक्स के हिसाब से तो बल मैंने कार्य कर लिया, है ना। लेकिन कार्य हुआ क्या, मेरे अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी अभी इस पार्टिकल के अंदर आ गई, इस पार्टिकल के अंदर। क्यों, कैसे पता, क्योंकि इसको जैसे मैं छोड़ूंगा ये नीचे जाएगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर एनर्जी आ गई तभी तो ये जा रहा है। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने का जो तरीका है या ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो ही कार्य है एक तरीके से बात की जाए तो। आई बात समझ? तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा स्थानांतरण करने का तरीका है, कार्य है। आई बात समझ? ऐसा है फिजिक्स के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है, एक एम द्रव्यमान का पार्टिकल, एक बॉक्स है, एक बॉडी है, एक वस्तु है, इस पर मैंने फोर्स लगाया F। क्या फोर्स लगाया मैंने? F फोर्स लगाया। चलो इसको F फोर्स इधर नहीं मान रहा मैं, ऐसे मान लेता हूँ कि इस पर मैंने फोर्स लगाया, F फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, F बल लगाया मैंने, और ये जो पार्टिकल है, जैसे ये क्या समतल है कोई, ये प्लेन, इस पर F फोर्स लगाया और ये जा रहा इस तरफ, इस तरफ खिसक रहा है, तो जिस तरफ खिसक रहा है, मान लो इसका विस्थापन है, जो मैं x ले लेता हूं, x भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, y, s, d, कुछ भी ले लो, आपको जो मर्जी चाहे, x डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है कितना, थीटा है। आई बात समझ? तो देखो, अगर मान लो कि ये f वेक्टर है, इधर फोर्स लगाया है और आप इधर विस्थापन हो रहा है, एक्स विस्थापन हो रहा है, मान लो, है ना, तो इसका जो फॉर्मूला है वर्क डन का, उसको मेजर करने का, कि कार्य तो कर दिया आपने, कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा देने को हम लोग कार्य बोल रहे हैं, कि ऊर्जा ट्रांसफर करने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
कार्य बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, लेकिन इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, कि मैंने एफ बल लगाने से अगर एक्स विस्थापन हुआ है तो ये कार्य आ गया डब्ल्यू, एफ वेक्टर डॉट एक्स डॉट वेक्टर, मतलब बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग कार्य बोलेंगे, इसको वर्कडन बोलेंगे। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, ये छोटी बात है, आपको पढ़ी होगी आपने कभी बचपन में 11 12th में, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसको और बेहतर तरीके से, अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे बेहतर तरीके से लिखने का मतलब है कि ये तो छोटी क्लासों में लिखते थे ऐसे फॉर्मूले से, आप शायद इसको डी लिखते होंगे या एस ज्यादा लिखते होंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट को डी या एस से ज्यादा रिप्रेजेंट करते होंगे। लेकिन यहां पर अभी डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स से लिख रहा हूं, और इस चीज को और भी अच्छे तरीके से लिखा जाता है, वो कैसे समझना। बचपन में जब आप पढ़ते थे तो सिंपल तरीके से कैलकुलेशन होता था कि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो इधर, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो एफ वेक्टर इधर, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, और इधर विस्थापन हो गया मान लो 2 मीटर, और जो कोण है वो है 30 डिग्री का, एंगल जो है वो 30 डिग्री का एंगल है आपके पास में, एंगल इज 30 डिग्री का एंगल है। तो आप कार्य कैलकुलेट करना चाहते हो, वर्क तो डायरेक्ट कर लो, W इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, तो F का मोड, X का मोड और cos थीटा, ऐसा हो जाता था। F है आपका 10 न्यूटन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मतलब होता है √3/2, तो ये हो गया 20 × √3/2, ये आ गया 10√3। ये सिंपल सा कैलकुलेशन, आप समझ जाते हो कि ये कार्य ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब जो फोर्स लगाते हैं हम लोग, फोर्स ये तो सिंपल बेसिक कैलकुलेशन होता है, लेकिन फोर्स को हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते कि 10 न्यूटन है या इतना है, फोर्स के फॉर्मूले आएंगे, मतलब इसका फंक्शन होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा आएगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समझो बात को, R कैप मतलब R का फंक्शन नहीं है, R का फलन है। कई जगह पर ऐसा आ सकता है फोर्स F वेक्टर इज इक्वल्स टू 2xik+3x2jk+3ikk, ऐसा मतलब कुल मिला के बात ऐसा है कि पहले तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज की बात करो तो हम लोग ऐसे सिंपल फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, बट अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना, फोर्स इस तरीके से आ जाता है फंक्शन की फॉर्म में, फलन के रूप में आता है, तब हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते फोर्स का, वो जो कार्य का जो फोर्स फॉर्मूला होता है ऐसे नहीं लिखते, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड बनाते हैं, आपके जो फर्स्ट ईयर का जो लेवल है उसके हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं। और उसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है या जो फंक्शन है, जो फोर्स है, वो क्या फंक्शन की फॉर्म में आ जा रहा है, फलन की फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो दूसरा तरीका क्या होता है, समझना इस बात को, अब समझना इसको, ऐसा है, कुछ सीधी एक डायरेक्शन नहीं है। जैसे मान लो कि मैं बल लगा रहा हूं कंटिन्यू, और जो बॉडी है वो इधर 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 ऐसे घूम रही है, मैं फोर्स यहां पर, फोर्स की डायरेक्शन ये थी, कोई भी जो भी फोर्स की डायरेक्शन थी, इसकी फोर्स की डायरेक्शन, पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो चेंज हो रही है, जो विस्थापन है वो अलग अलग डायरेक्शन में ना, इधर इधर था, इधर इधर, अलग अलग डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर किसी पे मान लो मैं एफ बल लगा रहा हूँ, फोर्स कॉन्स्टेंट फोर्स एफ बल लगा रहा हूँ, और बल लगाने से वो ऐसे 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 घूम रही है, मतलब उसका कोई डिस्प्लेसमेंट है, वो थोड़े से टाइम के लिए तो फिक्स है, जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर लूँ, इतनी बीच की डिस्टेंस में तो मैं इसको सीधी दूरी मान सकता हूँ, यहाँ पे तो सीधी दूरी थी ना, सीधा जा रहा था, तो सिंपली ऐसा कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन यहाँ पे सीधी दूरी नहीं है, ये इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसका जो पाथ है, इसका जो पथ है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, कि इतना टुकड़ा ले लिया मैंने, इसमें तो दूरी क्या है, सीधी दूरी है, इसको ले लो dx, इसको क्या ले लो dx, क्लियर है, इसको मैंने ले लिया dx, ये है dx, ये है f। तो
अल्पांश ले लिया मतलब थोड़ा सा विस्थापन, अल्प विस्थापन, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क डन होगा मतलब मैं एफ फोर्स लगाया और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, तो इससे जो वर्क डन होगा कार्य होगा वो भी थोड़ा सा होगा dw। एक सेकेंड, एफ फोर्स अप्लाई किया, dx विस्थापन हुआ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कार्य हुआ, इनफाइनिटेसिमल वर्क डन हुआ dw। इसका टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये टोटल वर्क डन आ गया इसका कुल कार्य। तो इसका जो वाकई में फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से लिखते हैं, अब बड़े लेवल पे बड़ी क्लासों में, छोटे क्लासों में ऐसे भी लिख देते हैं एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इस तरीके से भी लिख देते थे, लेकिन अब हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे। बात समझ आई मैं क्या बोलने वाला हूँ? तो सबसे पहले तो आप कार्य की परिभाषा लिखो, डेफिनेशन लिखो। पहले तो मैं ये फॉर्मूले वाली डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर इसका जो मीनिंग है एक्चुअल में क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका भौतिक अर्थ क्या है वो लिखेंगे। जो मैंने बताया कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा ट्रांसफर करने का एक तरीका जो होता है, दैट इज नोन एज वर्क डन। तो लिखो इसका डेफिनेशन लिखो पहले। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य के बराबर होता है, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन। क्लियर? चलो भैया ये बात मुझे समझ आ गई कि हाँ डॉट प्रोडक्ट इनका ये होता है। इसके अथवा में और दूसरा डेफिनेशन लिखो और करके, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा स्थानांतरित करने का तरीका, स्थानांतरित करने का तरीका या प्रक्रिया लिख लो, प्रक्रिया तरीके के ब्रैकेट में लिख लो प्रक्रिया, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। इंग्लिश में लिखो, द प्रोसीजर टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर द प्रोसीजर टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, क्लियर है? ये तो एक मैंने बेसिक एक आइडिया बताया था आपको कि सिंपली आप बचपन में कैसे लिखते थे इसको। अभी जो है आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है? आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पहले एफ वेक्टर डॉट एस एक्स एस वेक्टर लिख लो विस्थापन, ऐसे ये पहले लिखते थे हम लोग, तो आप ये लिख सकते हो। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, क्लियर है? तो लेकिन आप जो लिखे हो ना डेफिनेशन उसके नीचे लिखो, जो डेफिनेशन लिखे हो उसके नीचे लिखो। माना एक m द्रव्यमान की वस्तु पर, माना एक m द्रव्यमान की वस्तु पर f बल लगाकर, माना एक m द्रव्यमान की वस्तु पर f बल लगाकर विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य। लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज डिस्प्लेस्ड
लेट ए बॉडी ऑफ मास एम इज डिस्प्लेस्ड बाई अप्लाइंग ए फोर्स एफ, बाई अप्लाइंग ए फोर्स एफ देन वर्क डन इज ठीक है। आप पहले ये लिख लो फिर ये लिख लो समाकलन फॉर्म में, ये यदि dx अल्प विस्थापन हो तो, विस्थापन हो तो फॉर इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख लेना फॉर इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, यहां पे इंग्लिश में लिख लेना फॉर इनफाइनाइट डेसिमल मतलब अल्प छोटा सा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ठीक है, थोड़े से विस्थापन किया तो थोड़ा सा कार्य आ गया, टोटल कार्य कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं समाकलन कर देते हैं ठीक है, क्लियर है ये आ गया। इसमें हम लोग केस भी ले सकते हैं कंडीशंस ले सकते हैं, अगर आप केस लेना चाहे कंडीशंस लेना चाहे तो आप कंडीशंस भी ले सकते हो कि जैसे मान लो ऐसा है अगर इन दोनों के बीच में जो एंगल है एफ और एक्स के बीच में जो कोण है वो कोण का वैल्यू 90 डिग्री, मैं केस ले लेता हूं केस, पहला केस मान लो इफ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको आप ऐसे लिख लो एफ, इसको वेक्टर हटा के एफ डी एक्स कॉस थीटा, एफ डी एक्स कॉस थीटा एफ डी एक्स कॉस थीटा, तो देखना अगर मैं एंगल की बात करूं एंगल जो इनके बीच का कोण है इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री, जीरो डिग्री का मतलब जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो समांतर स्थिति के लिए, समांतर स्थिति के लिए फॉर पैरेलल कंडीशन, पैरेलल कंडीशन या सिचुएशन, तो अगर पैरेलल सिचुएशन है तो थीटा अगर जीरो डिग्री है तो ये ऐसा हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स कॉस जीरो, और कॉस जीरो डिग्री का मतलब होता है वन, ये वर्कडन होगा, कॉस जीरो में वन है तो ये अधिकतम कार्य होगा क्योंकि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू वन ही हो सकता है, तो ये सिचुएशन में मैक्सिमम वर्कडन होगा, मैक्सिमम वर्कडन अधिकतम कार्य, अधिकतम कार्य ठीक है। दूसरी सिचुएशन केस टू, इफ थीटा इज इक्वल्स टू मान लो दो से केस ले लेता हूं मैं, ऐसे तो केस 180 डिग्री वाला नहीं ले रहा मैं 90 डिग्री का ले लेता हूं क्योंकि इसमें कुछ मिल रहा है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर हो लंबवत स्थिति, फॉर परपेंडिकुलर सिचुएशन या कंडीशन, परपेंडिकुलर हो मतलब फोर्स तो इधर लगा रहे हो विस्थापन हो रहा इधर ऐसा ठीक है, फोर्स लगा रहे हो इधर विस्थापन हो रहा इधर ऐसी सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो फोर्स dx कॉस 90 होता है जीरो तो W हो जाता है जीरो डिग्री, जीरो जीरो कार्य होगा ये जीरो हो गया ठीक है। तो अगर आप मान लो कि विस्थापन इधर हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स है परपेंडिकुलर लग रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, इसका सिचुएशन देखना, देखो इसका सिचुएशन एक केस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ऐसा, वन सेकेंड
चलो एक ऐसा केस डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन है कि ये क्या होगा, ये जैसे मान लो कि ये बॉडी है एम मास का, ये बॉडी जा रही इधर और मैं लगा रहा हूँ फोर्स इस तरह। जैसे जैसे मान लो कि ये बस है और ये चल रही है, बस इधर चल रही है रोड के ऊपर, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो तो नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड होगा। ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगा इधर एफ, और वस्तु जा रही है, पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब है कि जब कोई भी रोड पे, कोई भी बस है या ट्रेन है, कोई भी बॉडी है, जैसे मैं जा रहा हूँ, तो उस बॉडी पर गुरुत्वीय बल के द्वारा जो कार्य किया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वर्क डन है, वो जीरो होगा। जब तक कि मैं नीचे या ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं अगर सीधा चल रहा हूँ तो ग्रेविटी की वजह से तो कार्य जीरो होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, कॉस 90 जीरो हो जाता है। तो वर्क डन जो होगा, कार्य होगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जीरो होगा। ग्रेविटी कोई काम नहीं कर रहा वहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कार्य जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो कार्य तभी हो सकता है जब ऊपर या नीचे की तरफ जाऊंगा, ठीक है, ये सिचुएशन में, ठीक है, ये बात है, ये बॉल वाला केस है, क्लियर है, ठीक है। ये छाप लेना, पोज कर करके छापते रहना आप, जहां पे भी आपको चांस मिले पोज करके छाप लिया करो। इसका यही तो एक अच्छा चीज है कि आपको छापने के लिए एक्स्ट्रा वक्त नहीं देना पड़ता, पोज करके छाप लिया करो। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इसका केस टू का, केस टू का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो होता है इसका एग्जाम्पल, अगर सर्कुलर पथ में कोई गति करता है, जैसे मान लो कि एक रस्सी लो, उसके पत्थर बांध दो, उसको घुमाओ, तो इस जब घुमा रहा हूं तो रस्सी है, मान लो ये रस्सी, रस्सी की वजह से टेंशन फोर्स काम करेगा, ये पत्थर है मास एम का, इस पर तनाव बल काम करेगा टेंशन टी। ये जो तनाव बल है, एक तरीके से केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल हो गया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स है ये। अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, ये तनाव बल जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो तो केंद्र की तरफ लग रहा है, और वस्तु जो है, पार्टिकल जो है, ये बंधा हुआ है, ये हर बार इधर विस्थापित होता है, यहाँ पे रहता है तो इधर विस्थापित होता है, यहाँ पे रहता है तो इधर विस्थापित होगा। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे फोर्स तो जो है वो इस तरफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जाएगा इधर विस्थापन। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। आई बात समझ में, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल कितने का, 90 डिग्री का। इसका मतलब है कि अभिकेंद्रीय बल से जो कार्य होगा वो जीरो होगा, तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जीरो, वृत्ताकार पथ में। क्योंकि वृत्ताकार पथ में जब भी गति करेगा, सर्कुलर पाथ में जब भी मोशन करेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज लिख सकते हो आप, इसके एग्जाम्पल में लिख लेना, एक लाइन लिख लेना, अभिकेंद्रीय बल द्वारा वृत्ताकार पथ, अभिकेंद्रीय बल द्वारा वृत्ताकार पथ में किया गया कार्य, अभिकेंद्रीय बल द्वारा वृत्ताकार पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, अभिकेंद्रीय बल द्वारा वृत्ताकार पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, अभिकेंद्रीय बल द्वारा वृत्ताकार पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। दी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर पाथ इज जीरो, इज जीरो। फिर ये डायग्राम छाप लेना, फिर ये डायग्राम छाप लेना, और इसमें एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, इसको डिस्प्लेसमेंट को मैं डी लिख दूँ, ऐसे मान लो, तो डी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसको डी एक्स लिख दूँ, इसको डी एक्स लिख देता हूँ, तो एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, वर्क डन जो आएगा एफ डी एक्स कॉस 90
तो W क्या हो गया, जीरो हो गया, W क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है, ये चीज़ है भैया, ये सिस्टम है। तो ये डायग्राम और ये चीज़ छाप लेना। ये एक गेम है, ऐसे ही हम लोग और भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे स्प्रिंग फोर्स का होता है, स्प्रिंग द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन स्प्रिंग के बारे में मैं आगे बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई क्वेश्चन आता है तो उस पर इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे, तो वहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करूँगा। क्लियर है, अभी ये चीज़ जमगा, ठीक है, चलो इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, इसको पॉज करके छाप लेना। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में बात करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके।